हे गाइस माई सेल्फ रोनी भगत गुप्ता एंड वैसे मेरी एक्सरसाइजेज ही चल रही थी बट देन uh, मैंने सोचा कि दो मिनट के लिए मैं चेक कर लेती कुछ मैसेजेस आए होंगे ना तो बहुत सारे मैसेजेस इस बारे में हैं कि मैं क्या डाइट लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कोई डाइट नहीं लेती कोई डाइट नहीं आई एम टोटली रिवॉल्विंग इन द क्या बोलते हैं हमारी पुरानी जनरेशन है ना उसमें मैं इवॉल्व हो रही हूँ एज इन कि आ, मैं कोई डाइट नहीं करती मैं सिर्फ घर का खाना खाती हूँ अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ बनानी है जैसे पास्ता या मोमोज़ वगैरह तो वो चीज़ें भी मैं घर पर ही बना कर खाती हूँ सो वॉट आई इंक्लूड इन माई होम मेड फूड मेनली इज़ दाल चावल चपाती सब्जी सैलड दीज फाइव आर टोटली इंपॉर्टेंट सब्जी में वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो दोनों होता है ठीक है कभी वेज कभी नॉन वेज एंड वॉट आई डोंट ईट दैट इज़ शुगर मैदा ऑयली फूड फ्राइड फूड एंड आउटसाइड फास्ट फूड ये पांच चीज़ें मैंने छोड़ दी है बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज मतलब शुगर तो मैंने हमेशा के लिए छोड़ ही दी है बाकी ये जो सारे बाकी चार पॉइंट्स हैं वो मैंने लिटरली इस चैलेंज के लिए छोड़ा था बट नाउ आई एम हैबिट्यूल टू इट कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है मैं मैदे की जगह पर कुछ अगर मुझे बनाना है जो डिश मैदे से बनती थी उसकी जगह पर आई एम यूजिंग चपाती का आटा यानी कि जो हमारा वीट आटा है वो या फिर ओट्स या फिर बेसन या फिर जो हमारे ग्रेन्स होते हैं जैसे स्प्राउट्स है उनको यूज करो तो देर आर मेनी सब्सटीट्यूट ट्राई फाइंडिंग सब्सटीट्यूट्स ठीक है राइस जो आप लोग को बोले राइस छोड़ो उसको सुनो बिल्कुल भी मत बिकॉज हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन इंपॉर्टेंट है जितना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उतना कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है उतना गुड फैट्स भी इंपॉर्टेंट है उतना फाइबर भी इंपॉर्टेंट है सो so, किसने बोला कि चपाती में सिर्फ ग्लूटन होता है या सिर्फ वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें क्या बोलते हैं फाइबर भी होता है लेकिन कैसे मिलेगा आपको वीट आटे में फा, आ, फाइबर आप लोग जो मार्केट से वीट आटा खरीदते हो इंस्टेड ऑफ दैट आप गेहूं अपने हाथों से सिलेक्ट करो अच्छा गेहूं सिलेक्ट करो और चक्की में उसे पिसवाने दो वो वाले आटे में जो आप पिसवाओगे खुद अपनी आंखों के सामने चक्की में उसमें आपको 101 परसेंट फाइबर मिलेगा क्योंकि जो बाहर के आटे होते हैं उनमें क्या होता है सब कुछ उसमें से न्यूट्रिशन निकालने के बाद जो बचा कुचा होता है उसी का आटा बनता है दैट्स वाई दैट्स नॉट हेल्दी जो हम लोग खुद चक्की के आटे में गेहूँ देख कर देख कर, कर लाते हैं उसमें ज़्यादा फाइबर मिलता है है क्योंकि पूरा एक अखा व्हीट हम उसमें पिसा रहे हैं बराबर कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे दैट्स वाई फ्रेश व्हीट आटा ही यूज करिए फ्रेश व्हीट आटा ही पिसा हुआ यूज करिएगा हमेशा उसके बाद राइस राइस अगर आप लोग खा रहे हो तो राइस बहुत अच्छा है इट हैज़ गुड कार्बोहाइड्रेट्स जो लोग कहते हैं राइस मत खाओ दैट्स गलत क्योंकि राइस भी हमें ज़रूरी है अब बचपन से हम लोग राइस खाते आ रहे हैं हमारी मम्मी चपाती चावल सब हमें बोलते हैं ना दाल चावल चपाती सब्जी ये हमारा मेन होमली कम्फर्ट फूड होता है हमारे इंडियंस का वो कोई भी जगह का हो कोई भी सिटी का हो राइस चावल चपाती सब्जी वगैरह ये सब हमारा बोलते हैं ना कम्फर्ट फूड है सो दैट्स वाई आप लोग ये मत सोचो कि राइस और चपाती को एक साथ नहीं खाना पागल है वो लोग उसके बाद राइस नहीं खाना चाहिए वो लोग भी पागल है मैं सब खाती हूं मैं आप लोगों के सामने मैं लाइव बोलते हैं ना उदाहरण हूं मैं चपाती भी खाती हूं मैं चावल भी खाती हूं और अगर राइस खाना ही है आप लोग मतलब राइस आप लोग खा ही रहे हो तो स्किप राइस एट नाइट ठीक है क्योंकि नाइट में हम क्या खाना खाने के बाद आधा एक घंटा दो घंटा रुकने के बाद फिर हम सो जाते हैं सो इंस्टेड ऑफ दैट ईट राइस इन आफ्टरनून जिससे कि आपको दिन भर के लिए एनर्जी भी मिलती है गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं अपॉन दैट राइस अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है सो डोंट स्किप राइस गाइज डोंट एट ऑल स्किप राइस क्योंकि राइस भी इंपॉर्टेंट है चपाती इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट बट अवॉइड शुगर मैदा फ्राइड फूड जो के एफ़ सी और ये सब फ्राइड ऑल है उसको अवॉइड करो देन जो ऑयली फूड है उसको अवॉइड करो जिसमें जैसे क्या बोलते हैं बहुत सारा ऑयल लगता है ना फ्राई होने के लिए ऑल मतलब पैन वाला वो ये करो उसके बाद आउटसाइड फास्ट फूड जो सेवेंटी फाइव हार्ट चैलेंज कर रहे हैं 75 डेज के लिए स्ट्रिक्टली आउटसाइड फास्ट फूड बंद है लेकिन अगर आप लाइफ टाइम के लिए जब इसे कंटिन्यू कर रहे हो इस सिस्टम को अपना रहे हो देन रिमेंबर वन थिंग कि आप महीने में एक या दो बार फास्ट फूड खा सकते हो लेकिन फिर उससे डबल मेहनत भी करनी है महीने में एक या दो बार बस उससे ऊपर नहीं ठीक है मैं फास्ट फूड छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं खुद नहीं छोड़ूंगी जब मैं इस चीज़ को अपने लाइफ में हमेशा के लिए मेरी इस रूटीन को लेकर आ रही हूँ तो डेफिनेटली फास्ट फूड मैं महीने में एक या दो बार खा सकती हूँ वो भी लिमिटेड ऐसा नहीं कि भाई वो बोलते हैं ना बक्का की तरह ऐसा खाते गए खाते गए नहीं वैसा नहीं लिमिटेड हो हर एक चीज लिमिटेड हो सो दैट इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो आप लोग को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही मैंने क्या क्या छोड़ा है दैट इज दैट यू हैव टू लुक फॉर्वर्ड टू बाकी सब ठीक है लेकिन अगर अगर आप शुगर छोड़ देते हो ना शुगर तो आपके बॉडी के 80 परसेंट हेल्थ इश्यूज वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं आपका सपोज मेरी तरह आपकी हैवी बेली है सबसे हार्ड पोर्शन होता है हैवी बेली को कम करना तो अगर जो इंसान शुगर छोड़ देता है ना वो इजीली बेली फैट भी कम कर लेता है अब मुझे ही देख लो कहा मेरा बेली एरिया 62 टू इंचज था मतलब मुझे एक मेजरिंग टेप भी कम पड़ती थी एंड नाउ नाउ 60 डेज में इट हैज रीच्ड 54 टोटल एट इंचज लॉस इन सिक्सटी डेज जस्ट बिकॉज शुगर शुगर छोड़ दिया मैंने शुगर का नामो निशान नहीं है मेरे घर पर सो दैट्स वाई रिमेंबर दिस आपको चाय पीनी है शुगर की जगह उस पर जैगरी डालो लेकिन जैगरी कितनी डालोगे इतुसी इतु इतना सा जब आप जैगरी डालोगे ना तीन कप में देखो क्या मिठास आती है ओके देर इज़ लाइक मुझे प्रॉपर आंकड़े नहीं पता लेकिन आप भी अगर रिसर्च करो तो वन uh, क्या बोलते हैं वन हंड्रेड एंड फिफ्टी शुगर केन्स सपोज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी या टू हंड्रेड शुगर केन्स से बनता है वन के जी ऑफ शुगर मतलब सोचो कि आप कितना शुगर केन इनटेक कर रहे हो उस वन स्पून में वन स्पून ऑफ़ शक्कर इन चाय ओके शुगर केन का जूस है जो गन्ने का जूस है वो पियो बिंदास डेली एक ग्लास पियो उससे आपको नेचुरल स्वीटनेस भी मिलेगा अपॉन दैट आपको उससे फाइबर भी मिलेगा लेकिन जो शुगर वाइट शुगर हम जो खाते हैं ना डोंट यूज़ दैट डोंट यूज़ दैट आप लोग महीना भर शुगर स्किप करके देखो एंड देन नहीं आप लोग को डिफरेंस दिखा ना मैं मेरा नाम बदल लूंगी दैट्स माई गारंटी मैं आज अक्टूबर हो गया अक्टूबर ट्वेंटी अक्टूबर से मैंने शुगर बंद कर दी एंड आज देखो मुझ में डिफरेंस समझ रहे हो तो देर इज एवरी थिंग इन आवर हाउस हमें क्या करना चाहिए आप लोग को सच्ची में बता रही हूँ मैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना जिस चीज़ को मैं एंशंट चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ जैसे हमारे ओल्ड जनरेशन में कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था कोई वेलनेस कोच नहीं था कोई जिम ट्रेनर नहीं था उस टाइम पर लेकिन वो लोग फिर भी फिट थे एकदम हाँ नेचुरल तरीके से कोई विदाउट सप्लीमेंट और विदाउट ये बत्तीस बार चबाएंगे एंड ऑल उन सब के बिना वो फिट थे क्यों क्योंकि वो घर का खाना खाते थे और उनकी मेहनत ज़्यादा होती थी तो हमें भी उसी चीज़ को अपनाना है कोई ज़रूरत नहीं है आपको पानी की तरह पैसे बहाने की सर्टिफाइड न्यूट्रिशन्स और ये जिम ट्रेनर्स और ये फलाना डिमकाना इन सब पर जब खुद कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है हाँ अगर कोई बोलता है ना कि नहीं ये सब झूठ है कौन कोई ऐसा कुछ नहीं होता विदाउट एडवाइज़र विदाउट ट्रेनर आप कुछ नहीं कर सकते तो उनको मेरा वीडियो दिखाओ मेरी जर्नी दिखाओ साठ दिन में जब मैं अगर नाइन के कम कर सकती हूँ मैं अगर मेरे वे वेट से ज़्यादा मेरे इंचज़ में डिफरेंस है तो अगर मैं कर सकती हूँ तो गाइज आप लोग भी कर सकते हो डेफिनेटली कर सकते हो तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही मैं सिर्फ और सिर्फ होम मेड फूड पर ज़िंदा हूँ और वो भी खुशी खुशी क्योंकि मैं न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर पा रही हूँ अनहेल्दी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके सब्सिट्यूट्स ढूंढती हूँ और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके चीज़ें बनाती हूँ जो मेरा दिल चाहता है वो बना कर खाती हूँ मैं सो so, उसमें क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है क्या, क्या ज़रूरत है पैसे बहाने की ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ये तो अभी अर्जेंट में मैंने ऐसे फटाफट बना बिकॉज देवर मेनी पीपल कि आप क्या खाते हो क्या खाते हो क्या खाते हो सो so, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँ मैंने सोचा था वन मिनट का वीडियो लेकिन ये तो लंबा वीडियो हो गया थोड़ा क्या करो मुझे बोलने की आदत हो गई है चलो देन बाय गाइज लव यू ऑल टेक केयर मैं आप मेरी बाकी सारी एक्सरसाइजेस वो कंप्लीट कर लेती हूँ